टीचर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं रेकी। रेकी क्या है और वह किस प्रकार हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमें एक सही दिशा देती है जीवन। रेकी एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी। डॉक्टर मिका ओसी द्वारा इसका जन्म हुआ था। वैसे तो ये विद्या हमारे ही भारत की है, लेकिन हमारे भारत में इस विद्या पर जब कोई काम नहीं हुआ, धीरे धीरे ये विद्या हमारे भारत से लुप्त हो गई और पुनः आविष्कार कर कर ये विद्या फिर से हमारे भारत में आई। और अब ये विद्या धीरे धीरे अधिकतर लोग इसके बारे में जान रहे हैं और धीरे धीरे ये फैल रही है। इस ऊर्जा से हम लोग बहुत सारे तरीकों के इलाज करते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इस एनर्जी से हम इलाज करते हैं। आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पर रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और यहाँ पर मैं एंजल थेरेपी कराती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोडालिटीज के बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ रेकी सिखाती हूँ और एंजल थेरेपी सिखाती हूँ। ऐसा मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मैंने बहुत सारी मोडालिटीज को सीखा और बहुत सारी मोडालिटीज के ऊपर काम भी किया, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा लगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे जिसका असर हुआ अपने जीवन पर, या जो चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया, वो ये दो चीज़ें थी। सबसे पहले रेकी और फिर एंजल। रेकी ग्रैंड मास्टर यह हमारा कोर्स है। रेकी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। मेन जो है वो हमारा उसे ही रेकी है जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर। उसके अलावा जो भी रेकी होती है वो सब वो रेकी होती हैं जब लेवल 5 के अंदर आने के बाद, जब हम लोग अपने खुद के सिंबल्स बनाते हैं, फिर उन सिंबल्स को हम सिद्धि करते हैं। 45 डेज से लेकर 3 महीने तक हम उन सिंबल्स की सिद्धि करते हैं। उसके बाद हम उसको मार्केट में या अपनी पर्सनल लाइफ में उतारते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और जब और कुछ समय के बाद फिर वो एक नई रेकी के रूप में आपके सामने आ जाता है, जिसमें से जिनके बारे में मैं जानती हूँ, जैसे हमारा हो गया मनी रेकी, हो गया वॉलेट फ्लेम रेकी, हो गया मैग्निफाइड हीलिंग, हो गया करुणा रेकी, हो गया, ये सब मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। और भी चीज़ों के बारे में अभी भी सर्चिंग मेरी चल रही है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। रेकी से जुड़ी ये 4-5 जो भी मोडालिटीज मैंने आपको बताई हैं, ये सभी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात करी कि रेकी एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ पर हम उनके सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स हमारे खुद के मैन्युफैक्चर, हम लोग उसको खुद बनाते हैं, खुद हम मेडिटेशन के द्वारा वो सिंबल्स हमको मिलते हैं और फिर हम उन सिंबल्स को यूज करते हैं। जब हम लेवल 5 में जाते हैं तो हम अपने खुद के सिंबल्स को प्रोवाइड करते हैं, उनके खुद के सिंबल्स को बनाते हैं, और जब हम उसे ही रेकी के अंदर हम करते हैं तो हमारे जो हिस्ट्री ऑफ सिंबल्स है, जैसे कि हमारा लेवल 1 में हम लोग चौकरी सिंबल का अटूनमेंट मिलता है हमारे को, और लेवल 2 में हम लोग 3 तरीके के सिंबल्स के बारे में जानते हैं, जैसे चौकोरी, सहेकी, हौंझा, जैसोनी। लेवल 3 में हमको मास्टर सिंबल का अटूनमेंट मिलता है, और उसके अलावा जितने भी हम सिंबल्स होते हैं वो सब हम वहाँ पर सीखते हैं। प्लस लेवल 4 में हमारे अलग तरीके के सिंबल्स हैं। ये सभी सिंबल्स हमें कहाँ से मिले? ये सभी सिंबल हमें डॉक्टर मिकाओ ओसी के द्वारा मिले। डॉक्टर मिकाओ ओसी को ये सिंबल्स कैसे मिले? डॉक्टर मिकाओ ओसी की यात्रा, जब वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे तब से उनकी ये यात्रा चल रही थी। वो अध्यात्म में बड़ा उनका रुचि थी, तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि जब हम लोग किसी को ऐसे आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथों से एक वाइट कलर की लाइट निकलती है। अगर आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्तियों में या भगवान की फोटो में ऐसे वो जब आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो वाइट कलर की लाइट निकल रही होती है। तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये वाइट लाइट क्या होती है, क्या ये सच में ऐसा होता है? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस बारे में काफी विचार किया, काफी सोचा कि क्या ऐसा सच में होता है। फिर वो इसकी खोज में निकल गए। इसकी खोज में निकले, वो पूरा
सारा भारत, भारत में तो बहुत बाद में आए थे, बहुत सारी कंट्रीज में वो अलग अलग जगहों पर गए और वहां पर उन्होंने इसके बारे में नॉलेज लिया, लेकिन उनको कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उनको ये मालूम चल गया था कि ये जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, ये हमारे भारत से है। फिर वो भारत आए, भारत में आने के बाद भी, बाद उन्होंने भारत की भाषा सीखी, भारत के संस्कृत को पढ़ा, जो भी हमारे शास्त्र हैं उन सब की उन्होंने स्टडी करा, लेकिन उनको फिर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चला। बट वे ये समझ गए थे कि वो यहीं की है, क्योंकि गौतम बुद्धा जो है मेन, गौतम बुद्धा जी से ये एनर्जी आई है, तो वो ये बिल्कुल समझ चुके थे कि ये एनर्जी यहीं की है। लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में थे, क्योंकि उन्हें कुछ उसका आंसर नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने इसके लिए तप करा, तप करा, उन्होंने अन्नजल त्याग दिया, उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा। और वह एक पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ गए और 21 दिन तक उन्होंने इसका तप करा। जब 21 दिन तक उन्होंने इसका तप करा तो उनकी भूखे प्यासे उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो बिल्कुल मरने की हालत में आ गए। जब वो बिल्कुल मरने की हालत में आ गए और उनको लगा कि अब तो वो बिल्कुल बचेंगे ही नहीं, अब तो उनकी मृत्यु बिल्कुल उनके सामने है, तो उन्होंने उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया और बिल्कुल अधमरे उसमें वो बिल्कुल लेटे हुए थे। जब वो बिल्कुल लास्ट उस पे आ गए थे तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि आसमान से एक ऊर्जा आई है, सफेद रंग की चमक रही एक ऊर्जा, और फिर कुछ उनकी बॉडी में एक अजीब सा करंट उनको महसूस हुआ, एक अजीब सी फीलिंग उनको आई, जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब हम लोग रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं, तब आप लोग भी उस एहसास को महसूस कर सकते हैं। वो इतना खूबसूरत होता है कि उसको आप शब्दों में मतलब बयां नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी जब उनके अंदर उस एनर्जी ने प्रवेश किया तो एकदम से उठ के खड़े हो गए और उनको ये समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो गया। वो घबरा गए और वो घबराते हुए फटाफट से वहां से भागे, पहाड़ से नीचे उतरे। जैसे ही वो नीचे उतरे तो उनको ठोकर लगी, उनके पैरों में से ब्लड आना शुरू हो गया, उनको वहां पे बहुत पेन हुआ। उन्होंने फटाफट अपना हाथ अपने पैरों पे रख दिया और देखा कि उनका जो ब्लड था वो आना बंद हो गया और वहां से उनका जो पेन था वो भी खत्म हो गया। उनको समझ नहीं आया कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो और नीचे आए, बिल्कुल जब वो नीचे पहुंच गए धरती के ऊपर पहाड़ से नीचे, तो वहां पर एक महामारी फैली हुई थी। अब वो जो भी व्यक्ति को मिलते उनको टच करते, उनको उनको जैसे ही उनको टच करते वो व्यक्ति ठीक हो जाता। उनको तब जाके ये समझ आया कि उनके हाथों में अब वो पावर आ चुकी है, जिस पावर को वो अब तक ढूंढ रहे। सॉरी फॉर दिस थिंग। अच्छा, तो उनको ये समझ में आ गया कि उनके हाथों में वो एनर्जी, वो ऊर्जा उनके हाथों में आ गई। फिर वो मेडिटेशन पे बैठे, फिर उनको ये सारे सिंबल्स मिले, फिर उन्होंने इन सब सिंबल्स को इस्तेमाल करा अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, और फिर उनके सामने इन सब चीजों की एक रिसर्च उन्होंने पूरा किया और उनके सामने इनके रिजल्ट्स आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने इस एनर्जी को स्टूडेंट्स को दिया, फिर स्टूडेंट्स ने और स्टूडेंट्स को दिया, फिर और स्टूडेंट्स को दिया। धीरे धीरे कर कर अब ये एनर्जी धीरे धीरे लोग समझने शुरू हो गए।
एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और जब हम रेकी को सीखते हैं तो रेकी के साथ साथ हम एक सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सकारात्मक शब्द अपने आप में ही बहुत पावरफुल होते हैं, जो कि हमारे को डबल, हमारे को हील करते हैं, हमें डबल उसका फायदा होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, आपका मन कितना खुश होता है, और जब आपका मन खुश होता है तो आप सब काम अच्छे अच्छे से करते हैं। और वही कहीं कोई व्यक्ति अगर आपके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है, और बेवजह आप उन लोगों पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं जिसको जिसको आप मतलब घर में अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि आप अंदर से परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने समझा है कि हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा एक प्रकार का हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है। जब हमारे बस में कोई चीजें नहीं होती तो हमें गुस्सा आना शुरू, तो वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, देखिए एनर्जी एक ही होती है, एनर्जी के रूप दो होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो यहाँ पर हम एक सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर काम करते हैं, रेकी के अंदर काम करते हैं। लेकिन रेकी सीखने से पहले मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर वो करने के लिए तड़प होनी चाहिए, उस लेवल पर पहुंचने के लिए तड़प होनी चाहिए। सीखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस मुकाम तक पहुंचते बहुत कम। तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते।